बेस्ट लैपटॉप्स फॉर वीडियो एडिटिंग एंड कोडिंग। तो अगर आप एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो जिसमें आप बहुत ही आराम से कोडिंग कर पाओ या फिर वीडियो एडिट कर पाओ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग को बेस्ट लैपटॉप बताने वाला हूँ और बेसिकली बजट फ्रेंडली वीडियो होगी ये। तो मैं 30,000 से लेके 60,000 की रेंज में आप लोगों को लैपटॉप्स बताऊंगा। सारे लैपटॉप्स बहुत तगड़े होने वाले हैं और आखिरी वाले को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो सबसे पहला बजट होने वाला हमारा 30,000 का। अब 30,000 के अंदर मैं आप लोगों को एक लैपटॉप सजेस्ट करूंगा विच इज वर्थ इट, और वो बहुत अच्छा लैपटॉप है जिसका नाम है Acer Aspire Lite। अब ये जो लैपटॉप है ना, आप लोगों को करेंटली 34,000 का देखने को मिलेगा Amazon पे, पर इस पे अभी 1,000 रुपीस डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करते हो तो ये आप लोगों को पड़ जाएगा 32 या फिर 33,000 में। 1-2,000 ज्यादा है, पर मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हो और उसमें आप लोगों को 1-2,000 रुपए ज्यादा भी लगाने हो ना, अगर आप लोगों को डील अच्छी मिल रही है तो आप जरूर इन्वेस्ट करो, आप लोगों को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। ऑलराइट, तो स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आप लोगों को मिल जाती है मेटल की बॉडी विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट, और बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को बिल्कुल सॉलिड मिलने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप लोगों को Ryzen 5 का 5500U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है विच इज 6 cores and 12 thread प्रोसेसर, जो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। और इसमें आप वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, AI, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट जो भी करना है बढ़िया आराम से कर सकते हो। इवन इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि ये प्रोसेसर आराम से झेल लेगा। 8GB की DDR4 RAM देखने को मिल जाती है जिसे आप 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, वो भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी स्टोरेज की बात करें तो 512GB आप लोगों को SSD देखने को मिलती है, आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, आप लोगों को स्लॉट्स अवेलेबल मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बात करें डिस्प्ले की, 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आप लोगों को 45% NTSC, 250 nits की ब्राइटनेस और 60Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिल रही है। AMD ग्राफिक्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा विच इज ग्रेट, और 4-5 hours की बैटरी बैकअप आराम से लैपटॉप आपको दे देगा। ये लैपटॉप अभी करेंटली मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है Amazon पे, तो अगर आपका बजट 30,000 का है, 1-2,000 रुपए ज्यादा लगा के आप ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है ये, तो गो फॉर इट। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा बजट है 40,000 रुपीज, एंड इसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप बताने वाला हूँ जिसका नाम है Lenovo IdeaPad Slim 3। ये आप लोगों को 39,990 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। और तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, जो कि एक 6 कोर्स और 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर पे आप बहुत ही आराम से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 1080p वीडियो एडिटिंग आप आराम से कर सकते हो इस प्रोसेसर में, क्योंकि जो Ryzen के प्रोसेसर आ रहे हैं वो बहुत पावरफुल आ रहे हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। तो इस प्राइस रेंज में आप लोगों को बहुत ही सही प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। बाकी आप इस पे गेमिंग भी कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, AI, मशीन लर्निंग जैसी चीजें आराम से इस पे कर सकते हो। तो अगर मेमोरी स्टोरेज की बात करें, इसमें आप लोगों को 8GB DDR4 RAM देखने को मिल जाती है जिसे आप 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हो विच इज ग्रेट, और 512GB SSD देखने को मिल जाती है, इसे भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, आप लोगों को एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाएगा। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD TN टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 nits की ब्राइटनेस है। बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं तो इन्होंने साइट पे मेंशन किया है कि ये लैपटॉप आप लोगों को 6 घंटे की बैटरी बैकअप आराम से दे देगा, प्लस इसमें आप लोगों को रैपिड चार्ज भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको जो लैपटॉप है वो 1 घंटे में 80% चार्ज हो जाएगा। लास्टली अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें आप लोगों को इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स विच इज ग्रेट। तो ये जो लैपटॉप है बहुत ही अच्छा लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, एंड लैपटॉप की बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। अगला लैपटॉप है Asus VivoBook 16X, ये आप लोगों को 49,990 रुपीस का देखने को मिल जाएगा करेंटली Amazon पे। तो ये जो लैपटॉप है काफी बढ़िया लैपटॉप है, इसमें आप लोगों को मेटल की बॉडी देखने को मिल जाती है, तो आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। एंड इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है AMD Ryzen 5 का 5600H मोबाइल प्रोसेसर, जो कि 6 core 12 thread का प्रोसेसर है। अब ये जो एच सेगमेंट वाले प्रोसेसर होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, इसमें आप बहुत ही आराम से वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, AI मशीन लर्निंग वगैरह ये सारे काम आप बहुत ही आराम से कर पाओगे। 8GB की RAM देखने को मिल जाती है और आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, 512GB SSD देखने को मिल जाती है, आप इसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप लोगों को एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाएगा। 16 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विच इज ह्यूज, और ये काफी अच्छी बात है। 80% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, IPS LED WXGA वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इसमें आप लोगों को। ग्राफिक कार्ड की बात करें, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड AMD Radeon Vega 7
तो वेबसाइट पे मेंशन है कि ये लैपटॉप आप लोगों को 8 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा, वैसे 8 घंटे का तो नहीं देगा, तो अप्रॉक्सिमेटली आप समझ लो 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप आप लोग को आराम से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 60,000 की रेंज में लैपटॉप, तो इसमें आप लोगों को मैं एक लैपटॉप बताऊंगा जिसका नाम है Asus VivoBook F15, 56,749 रुपीज का ये लैपटॉप आप लोगों को अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल सॉलिड मिलने वाली है। इंटेल i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, 8GB की DDR4 RAM देखने को मिल जाती है और आप इसे 32GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। बाकी 512GB आप लोगों को SSD देखने को मिल जाती है और आप लोगों को एक्स्ट्रा स्लॉट्स मिल जाता है इनकेस आप लोगों को फ्यूचर में एक्सपैंड करना हो तो वो भी कर सकते हो। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें आप लोगों को 144Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी, तो बहुत ही सही है। आप 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले में आप लोगों को गेम्स वगैरह खेलने में बहुत मजे आएंगे। मेन हाईलाइट है ग्राफिक कार्ड इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, एनवीडिया RTX 2050 देखने को मिल जाता है विच इज ग्रेट, आप लोग इसमें बहुत ही अच्छी गेमिंग कर सकते हो। तो ऑल इन वन लैपटॉप है, बहुत अच्छा लैपटॉप है जिसमें आप लोगों को वन जोन RGB कीबोर्ड भी देखने को मिल जाता है। तो इस लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। और एक बोनस लैपटॉप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ये जो लैपटॉप है बहुत ही अच्छा लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में जिसका नाम है Asus VivoBook 15। ये आप लोगों को करेंटली अमेजोन पे 64,990 रुपीस का देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप में आप लोगों को मेटल की बॉडी देखने को मिल जाती है विच इज ग्रेट, तो बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, बहुत ही अच्छा और तगड़ा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। i7 12th जनरेशन का प्रोसेसर आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है विच इज ग्रेट, 16GB की DDR4 RAM देखने को मिल जाती है, 512GB SSD है, आप फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकते हो। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो 60Hz का है, 220 nits वाली ब्राइटनेस, 45% NTSC एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz नहीं है 60Hz है विच इज ओके, वैसे ठीक है 60Hz पे बैटरी बहुत कम जाती है। तो इसमें आप लोगों को इंटेल इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छा लैपटॉप है, सारे नेसेसरी पोर्ट्स आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को लेना है बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। सो या दैट इज प्रीटी मच इट, आई होप आप लोगों को वीडियो देख के मजा आया होगा और कौन सा लैपटॉप आप लेने की सोच रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, पीस।